अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर उच्च न्यायालय के द्वारा मंदिर नहीं खुलने और ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था के फैसले पर बासुकीनाथ के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। पंडा धर्म रक्षणी सभा के महामंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन कराया जाएगा। दुमका से कुणाल शांतनु की रिपोर्ट। बाबा बासुकीनाथ में श्रावणी मेला हर साल आयोजित होता है और 30 लाख से अधिक श्रद्धालुगण एवं कांवरियागण यहाँ पे बाबा का दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। इस साल कोरोना के संक्रमण के वजह से श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा है और क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा था, हम लोग इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे कि कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आएगा। तो अभी ऑनलाइन दर्शन का आदेश हुआ है और विभाग की तरफ से भी इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए कई सारे मीटिंग्स और डिस्कशंस चल रहे हैं। जो परिदृश्य से बासुकीनाथ के लिए बनते जा रहा है, ये एक समझिए कि मंदिर पर डिपेंडेंट यहाँ का सारा कारोबार, सारा व्यवसाय, सारा व्यापार है। आज लगभग जो 3-4 महीना से मंदिर बंद है और कई महीनों तक बंद होने वाला है, लोग का आर्थिक स्थिति पूरी तरह दयनीय हो चुका है। इसलिए हम लोगों ने इस विषय वस्तु पर मुख्यमंत्री महोदय से बात करने के लिए हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जो है रांची गया था और हमने उस पर बात करी। सरकार पूर्ण रूप से ये एकदम तय मान के चलिए, सरकार रिजिट है कि हम मेला नहीं लगाएंगे, इससे संक्रमण बढ़ने का संभावना, ये सरकार का सोचना है। तो हमने देखा कि जीवन की रक्षा की बात है तो हम भी सरकार के समर्थन में इस बात पर खड़े हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।